वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें यहाँ तलाबकट्टा बिल्कुल मेन रोड पर और यहाँ पर बहुत ही शानदार बुल्स का कलेक्शन है, तो सभी डिटेल मैं बतलाऊँगा आप लोगों को। बड़े बैल भी हैं यहाँ पर, बुल्स भी है, और ख़ास चीज़ ये कि यहाँ पर यानी बकरे भी है, हैदराबादी बकरा है यहाँ पर और एक यमनी बकरा है, दो हैदराबादी बकरे हैं। तो यहाँ की सारी डिटेल लेंगे भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिन हबीब है। हबीब भाई, आपका एड्रेस कहाँ पर है तलाबकट्टे में? तलाबकट्टा रेलवे ब्रिज के ने जी, तो वहाँ पर राइट साइड पे आप आगे तो अपने को वहीं गली में वहाँ पर। ओके, तो अभी आपके जो बुल्स रखे हुए ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर बी बाजार चौरस्ते से पहले यमनी फर्नीचर के सामने है। यमनी फर्नीचर के बिल्कुल सामने, जैसे यहाँ पर सामने यमन फर्नीचर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में। तो सबसे पहले ये वाला एक यमनी है आपके पास? जी यमनी है, बिल्कुल खड़े कान है, मुंडा बकरा है, सिंह नहीं है। देखिए इसके कितने दांत पे अभी है? ये दूसरा दो दांत डाल दिया उमर भाई, चार दांत पे आ गया। ठीक है, और क्या प्राइस है इसका आस्किंग? इसका प्राइस लास्ट उमर भाई दे देंगे अपन 16,000 में दे देंगे। 16,000 में दे देंगे। बाल निकाले हुए इसके? हाँ, बाल एक बाल अगर आ गए तो बहुत ज्यादा खूबसूरत बढ़ गए थे उमर भाई बाल, तो जुआ हुआ के चक्कर में ना मैं निकालने लगा दिया था। ठीक है, 16,000 में दे देंगे आप। नेक्स्ट में ये एक हैदराबादी बकरा है आपके पास, बहुत अच्छे शानदार पंच के अंदर जी, और खुले कान है बिल्कुल। आप इस साइड में आ जाइए जी, कान पकड़ लीजिए बकरे का। ये देखिए आप साइज, हाइट, लेंथ इसकी नासी अबलग है। कान का साइज कितना है इसके? 18 इंच है उमर भाई। 18 इंच लंबा, 18 इंच है, 8 इंच चकलान आती है उमर। 8 इंच चकलान है और बहुत ज्यादा गर्म है जी जी। पंच फेस के अंदर है। कितने दांत पे है ये उमर भाई? 6 दांत डाले हुआ है, फ्रेश 6 दांत पे, फ्रेश 6 दांत पे है। माशाल्लाह, हाइट लेंथ भी अच्छी है इसकी। कान एक बार इधर का बतलाइए खोल के। ये देखिए आप, कहीं पर भी कोई चुमटी रिंकल वगैरह नहीं है, फ्रेश 6 दांत पे है। अच्छा, इसका रिजल्ट भी है, नासी अबलग बच्चे बनाता पूरे। अच्छा, पूरे नासी अबलग आ रहे हैं इसकी। कोई भी बकरी वाइट में रही बोले तो वाइट ज्यादा डाल देती जी जी। एक धब्बा, ये निशान इसका चेहरा पे आता ही आता। अच्छा, चेहरे का जो इसका सर पे ताज है वो कैसा भी आएगा? और ये जो पेट पे है जी, बकरियों को जैसे कि लंबा आता, क्या बात है, अल्लाह ही जाने बस। अच्छा जी, ठीक है। और क्या प्राइस रख रहे हैं इसका आसिंग आप? इसका देखिए उम्र में 70,000 में। 70,000 आसिंग प्राइस, ठीक है। कम भी कर देंगे इसमें? थोड़ा बहुत कर लेंगे उम्र में, ठीक है। बहुत तेज बकरा है जी जी, शौक से पाले भी आप। एक बात है उम्र भाई, एक ही जो भी। अच्छा, यानी मीटिंग कर रहे थे, एक ही बार में कंफर्म हो जा रही है? माशाल्लाह, क्योंकि वो बकरी क्रॉस में भी रन दो या हैदराबादी रन, एक में माशाल्लाह रिजल्ट आपने अच्छा रिजल्ट आ रहा किसी के पास भी जी, एक में रिजल्ट दिया सो इन्हें माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, दूसरा जो गुलाबी बकरा है वो लेइए। नेक्स्ट में ये एक गुलाबी है, दांत डाल रहा, पहला दांत डाल रहा है। अच्छा, दूध के दांत पे भी दांत स्टार्ट हो गए इसके, स्टार्ट हो गए। और पंच है देखिए इस बकरे के अंदर भी, नासी अबलग है लेकिन बिल्कुल खुला अबलग है, एकदम गुलाबी आप जैसे कह सकते हैं। चेहरा इसका गुलाबी है, कान है, और एक साल का हो गया है करीब, दांत स्टार्ट हो गए। एक साल का नेवा हुआ, एक साल का नेवा लेकिन दांत शुरू कर रहा अभी। ठीक है, ठीक है। क्या साइज है कान का इसके अभी भाई? इसके कान का देखो यकी आ रहा 16 इंच 17 इंच आता है, 16 से 17 इंच लंबा। और चकलान 7, चकलान 7 के आसपास में, 7.5-7 आ जाएंगे, ऊपर आ रही 7 के आसपास, 6.5 के वैसा 6.5-7 के आसपास आ जाएंगे इंशाल्लाह। क्या प्राइस है इसका आस्किंग? काना होना गुलाबी है बिल्कुल। आसिंग प्राइस क्या रख रहे हैं हम इसका? देखिए उम्र भाई अपनी 38 में दे देंगे, 38,000 में दे देंगे। और टेस्टिकल्स देखिए बहुत खुले इसके, यानी ऐसे बकरों के या ऐसे बुल्स जिसके टेस्टिकल्स खुले रहते, दूध वाले बकरियां बनते जो नस्ल में आते, अडर बहुत बड़ा आता। रिजल्ट ना अभी 4-3 महीने में आएंगे, 3 महीने में आ जाएंगे। मैं छोड़ दिया था। अच्छा, बकरी के संग उन्हें भी छोटी थी जी जी जी, उन्हें भी दो दांत पे डाली तो मैं छोड़ दिया उसके साथ, उन्हें भी पंच फेस में। अच्छा, तो उसको डाल दिया इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी आपका जो बुल्स का कलेक्शन है ये देखेंगे हम, क्या क्या प्राइस रेंज है इसमें, मिनिमम कम से कम क्या प्राइस का है? स्टार्टिंग देखो उमर भाई अपने पास 24,000 से 25,000 रुपए से स्टार्टिंग है। 24-25,000 से स्टार्ट है जी। तो कौन से वाले हैं 24 वाले? यहाँ पर जर्सी के भी बड़े बुल्स हैं यहाँ पर, और ओंगोल का भी कलेक्शन है बड़ा, तो सभी देखेंगे हम। ये देखिए ये है, क्या प्राइस का है? 24,000 में दे देंगे। कुछ गुंजाइश है इसमें? अच्छा, ये फाइनल है, कम से कम 24 है। ओके, हर जगह प्राइस का देखो आप चल रहा, तो हम ज्यादा प्राइस बोल के फिर अच्छा नहीं उसमें। अच्छा, लोग जैसे बतला रहे हैं प्राइस बोल रहे हैं, फिर आए बात बदल रहा, तो ऐसा कुछ होने की उम्मीद है यहाँ पर? अपनी जबान एक ही रहती है इंशाल्लाह।
और वीडियो के अंदर आप लोग जो देख रहे हैं कंपेयर कर सकते हैं, तो बेहतर यही है आप लोग डायरेक्टली वीडियो बतलाइए भाई को अगर कोई भी रेट चेंज कर रहा हो। वैसे तो इंशाल्लाह यहाँ नहीं होगा, वैसा 24,000 इसका फिक्स प्राइस रहेगा। इसके बाद में ये जी, ये जर्सी में है, ये जर्सी में जी। क्या प्राइस है इसका? 25,000 है। और ये वाला, ये देसी बच्चा है, ये वाला है, ये 28,000 में दे देना आपने। 28,000 में, ठीक है। आप लोग देखिए जहाँ से भी जानवर लिए दांत चेक करके लिए, दो दांत पे जानवर, चार दांत पे हो, जैसे भी हो। और ये जो लाल है आपके पास, ये लाल वाला देखो उमर भाई, नहीं मत जाइए, रहने दीजिए। लाल वाला अपन लास्ट को 30,000 में कर देंगे। 30,000 में देंगे। और ये जो दियोनी का बच्चा है, ये दियोनी का बच्चा, इसको लास्ट अपन 32 में दे देंगे। 32,000। इसके दांत फ्रेश लग रहे हैं भी, देखिए दो दांत में अभी चेक भी करा इसके, और बहुत अच्छी क्वालिटी वाला है। जानवर रोड पे रहने से खाते करते नहीं सही, लेकिन तैयार है अच्छा और कलर अच्छा है इसका। ये वाला जो लाल है यहाँ पर, ये भी 30 में दे देंगे, ये भी 30 में दे देंगे आप। और ये जो बड़े सिंगाल है आपके पास, हाँ ये उमर भाई, इसका बाप को भी देखा हमें जी, अभी इसका बाप तो समझो आप बहुत ज्यादा बड़े सिंग होंगे, बहुत बड़े, क्योंकि सिंगल ब्रीड में है जी। उन्हें माप के बताया था तकरीबन जैसे के इतने हाथ के ऊपर तो सिंग थे इसके। खिल्लर के नाम से मशहूर है, खिलाड़ी बुल्स बोल के आते हैं जी जी। अभी क्या प्राइस में देंगे आप ये? हम इसको लास्ट उमर भाई जब अपन 35 बोल रहे हैं, मगर एक थोड़ा बहुत कुछ तो भी करके अच्छा दे देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। और ये वाला जो अंगोल है लाल कलर में, ये वाला उमर भाई, ऐसे अपने पास चार बड़े है, ये एक है जी, और वहाँ पर एक है जी, और वहाँ पर एक है, और यहाँ पर एक जर्सी वाला है जी। ये इन लोगों के चार के प्राइस इक्वल रहेंगे, सेम इक्वल रहेंगे, सेम सेम। क्या प्राइस का एक है? अब ये वाला लास्ट अपन देने का है, देखिए आप फाइनल प्राइस है 52-53 में अपन कर लेंगे, 52-53,000 में ये बड़े साइज के बोल देंगे। ये वाला एक है आपके पास, और ये वाला एक है, ये वाला है। अच्छा ये वाला, ये वाला है, ये वाइट है, और हाँ सर ये भी एक है, हाँ, और ये चौथा है, ये वाला, ठीक है। और ये जो बड़े बैल है आपके पास, ये, इनका ये देखिए हमारे भाई माशाल्लाह क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा है, काटते काटते खसा, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी वेट के अंदर है। क्या लाइव वेट रहेगा इसका? ये देखिए अब उतना तो अपने को कंफर्म नहीं है, एक 7 क्विंटल के आसपास, जो भी लोग बोल रहे हैं आराम से, हाँ। लाइव वेट 7 क्विंटल के आसपास आएंगे ना, 7 क्विंटल के आसपास आएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो बाहर है आपके पास, एक बहुत खूबसूरत ये वाला, इसका क्या प्राइस है? ये उमर भाई अपन लास्ट 60 में देने का है, 60, हाँ। कुछ भी ऐसा रहा तो किसी को पसंद आया तो आके देखिए लाइव, आप देखिए, ऐप नहीं है कोई जानवर में जी इंशाल्लाह। और बीच में जो बड़ा है आपके पास, ये 92 का है, 92,000, ये बने हुआ ऐसा दिख रहा हूँ उमर भाई, मगर खोलने के बाद इसका लुकिया लगा रहा है बिल्कुल, क्योंकि रोड का मसला है, किसी को तकलीफ देना नहीं है। तो अभी आपके पास इसका एक प्राइस बोल दिया, फिर आपके पास एक टट्टू घोड़ा है वो भी देखेंगे, 92 बोल रहा हूँ, कुछ भी देखेंगे अल्लाह करे इंशाल्लाह, 92,000 आस्किंग है, इसमें भी कम कर देंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है। तो जो आपका टट्टू घोड़ा था वो कहाँ पर है अभी भाई? क्या डिटेल है इसकी, नर घोड़ा है या मादी है? नर घोड़ा, नर घोड़ा, यानी खसी नहीं है, नरी है, ओके, और फुल नरी है। तो अभी राइडिंग वगैरह सब चालू है इसके? ये हमारे भतीजे साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? तो आप चला रहे हैं घोड़े को ये, ठीक है, टट्टू घोड़ा है, देखिए ये लिए थे जी, तो माशाल्लाह इन्होंने सीखे और भाइयों को भी सिखा दिया पूरे, तो अभी बड़ा घोड़ा लेने का इरादा हो गया, जबरदस्त जी जी, दुबई में भी जॉकी का गवर्नमेंट में जॉब पे, अच्छा माशाल्लाह, पूरा क्या है? लेकिन आपको तो सूट करा ही नहीं होगा फिर, आप एज ए जॉकी अगर काम करके आए हुए तो ये घोड़े का मजा ही नहीं आया, बच्चों को सिखाए, बच्चों को सिखाने के लिए, अच्छा जी, बड़ा घोड़ा आप दिला देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एक था हमारे पास मुश्किल, लेकिन अब मरहूम हो गया जी। चलिए इसका क्या प्राइस रख रहे हैं आप? वगैरह भी है और चाल में भी चल रहा है, आप में भी है, चाल में भी चल रहा है, चाल में भी है जी, बहुत ही जबरदस्त चाल का घोड़ा है। प्राइस क्या है इसका? प्राइस हम तो 10,000 रुपये बोल रहे हैं, अगर थोड़ा सा खाने पीने जी, यानी ये जानवरों में टाइम दे रहे हैं आप ज़्यादा, तो इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो कम हो गई,
ठीक है, 10,000 आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएबल भी कर देंगे ना? कर देंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह और बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।